ये है स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड LM386 की PCB जो कि हमने बनवाई थी। इसकी कोई वीडियो नहीं आई है, पर यह बोर्ड टेस्ट कर लिया हमने और इसकी PCB आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। यदि आप बनाना चाहते हैं तो यह PCB खरीद करके आप एम्पलीफायर बना सकते हैं और यह PCB की क्वालिटी आप देख सकते हैं किस तरीके की है। इस PCB पर लगने वाले सभी कंपोनेंट्स की वैल्यू इस पर लिखी गई है। इस एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर जोवल नेटवर्क इनबिल्ट है और पावर सप्लाई भी इनबिल्ट है। यह PCB डुअल लेयर में बनी हुई है और दोनों तरफ इसमें मास्किंग की हुई है। PCB की क्वालिटी बेहद ही शानदार है। यह PCB इम्पोर्टेड है, काफ़ी टाइम पहले हमने यह PCB बनवाई थी और इसके केवल हमारे पास 10 PC उपलब्ध हैं। यह है मोनो LM386 की PCB पर्पल कलर के अंदर। यह भी डुअल लेयर PCB है और इसकी वीडियो हमने बना रखी है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये भी फ्लिपकार्ट पर हमने लिस्ट कर दिया, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। ये है 4 कैपेसिटर की पावर सप्लाई की PCB जिसके अंदर 20, 25, 30 या 35 एम्पीयर का ब्रिज रेक्टिफायर आप लगा सकते हैं। फ्यूज के सॉकेट भी इसके अंदर लगे हुए हैं। इस सप्लाई को आप किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड के लिए लगा सकते हैं और PCB की क्वालिटी बेहद ही शानदार है। जैसी ये PCB आपको वीडियो में दिख रही है वैसी ही असलियत में भी है। ऐसा नहीं है कि वीडियो में कुछ और दिख रहा है और असलियत में आपको कुछ और मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे 200 वाट के स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड के बारे में जो कि अब सेलिंग के लिए उपलब्ध है। इसमें किस प्रकार का मटेरियल हमने यूज़ किया है और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और दिखने में यह बोर्ड कैसा है, साइज इसका कितना है, यह सभी जानकारी हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इस बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई के अंदर हमने 35 एम्पीयर का ब्रिज रेक्टिफायर लगाया हुआ है। पावर कैपेसिटर 10,000 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट के हैं। इस बोर्ड के अंदर हमने CDIL के CSC 5500 और CSA 1943 ट्रांजिस्टर्स लगाए हैं और छोटे ट्रांजिस्टर्स UTC और ST कंपनी के इसमें लगे हुए हैं। रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स इसके अंदर हमने विषय कंपनी के लगाए हुए हैं। बहुत से लोग फिलिप्स कंपनी के कैपेसिटर और रेजिस्टर्स मांगते हैं तो उनको बताना चाहेंगे फिलिप्स और विषय कंपनी एक ही है। यह बोर्ड जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है वैसा ही आपके हाथ में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो में आपको कुछ और दिखाया जाए और मिले आपको कुछ और। अब इसके कनेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आउटपुट लिखा हुआ है और स्पीकर का सिंबल बना हुआ है। यह है स्पीकर आउटपुट का टर्मिनल। यहाँ पर स्पीकर के लिए ग्राउंड का टर्मिनल दिया हुआ है। ये ग्राउंड का टर्मिनल राइट चैनल के लिए दिया हुआ है। इसी प्रकार से दूसरे चैनल पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है और स्पीकर का सिंबल बना हुआ है। यहाँ से दूसरे चैनल के लिए आउटपुट लेंगे और नीचे की तरफ एक ग्राउंड का कनेक्टर लगा हुआ है जो कि स्पीकर के लिए है और यहाँ पर दोनों चैनलों के लिए सेपरेट इनपुट के कनेक्टर्स हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है ट्रांसफार्मर लिखा हुआ, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर कनेक्ट होगा 40040 का। इसमें हीट सिंक लगी हुई है, ब्लैक कलर की एनोडाइज्ड हीट सिंक। हीट सिंक पर फैन लगाना जरूरी है। PCB के नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एक्सपोज्ड ट्रैक दिए हुए हैं जिन पर सोल्डर किया हुआ है ताकि ट्रैक्स की करंट रेटिंग बढ़ाई जा सके। इस बोर्ड की कीमत 1600 रुपये है डिलीवरी चार्ज के साथ और कैश ऑन डिलीवरी पर यह बोर्ड 1750 रुपये का मिलेगा। इस बोर्ड को देखकर ही आप इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह किस प्रकार का बना हुआ है। ये है 3-बैंड प्री एम्पलीफायर बोर्ड, कुछ लोग इसे टोन कंट्रोल बोर्ड भी कहते हैं। ये इसकी मैचिंग का है या आप समझ सकते हैं ये यूनिवर्सल बोर्ड है जो किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड के साथ में कनेक्ट हो सकता है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, इसका गेन काफ़ी ज़्यादा है किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड के साथ में, यह आसानी से मैच हो जाता है। इस प्री एम्पलीफायर के अंदर 2 IC लगी हुई हैं जिन्हें ओप एम्प कहा जाता है और इसके अंदर इनबिल्ट पावर सप्लाई है, सीधा 12012 का ट्रांसफार्मर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इस प्री एम्पलीफायर बोर्ड का आउटपुट निकलता है और ये बड़ा कनेक्टर जो है 12012 की सप्लाई के लिए है और यहाँ पर ये वाला कनेक्टर कुछ इस तरीके से लग जाता है।
इस कनेक्टर के अंदर बीच वाली वायर ग्राउंड की है और साइड वाली दो वायर्स एसी की हैं, यानी 12012। इस बोर्ड के साथ आपको सभी कनेक्टर्स साथ में मिलेंगे, कुछ भी आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बेस ट्रैवल बोर्ड को मेन बोर्ड के साथ में कैसे कनेक्ट करते हैं यह आपको बता देते हैं। इस बोर्ड में दो कनेक्टर लगे हुए हैं और यहाँ पर सिंगल है, तो ये जो दो कनेक्टर्स हैं इन्हें लेंगे और सबसे पहले एक के बीच बीच की वायर निकाल देंगे। जब आपके पास ये कनेक्टर पहुँचेंगे तो आपको सबसे पहले ये करना है, ये वायर खींच देनी है इस तरीके से और इन्हें लगाना है यहाँ पर। ये दोनों कनेक्टर्स आपको लेने हैं। सबसे पहले इनकी जो ब्लैक वायर्स हैं, ये जो ब्लैक वायर है इस कनेक्टर की, आपको यहाँ से जोड़ देनी है, इन्हें जोड़ना है ब्लैक वायर्स को। ये जो ब्लैक वायर्स हैं, इन दोनों ब्लैक वायर्स को हमें जोड़ देना है इस तरीके से। और फिर क्या करना है, ये जो कनेक्टर है इसकी बीच वाली वायर लेनी है, ब्राउन वाली जो वायर है। जब आपका कनेक्टर लेंगे हमसे खरीदेंगे तो आपको सेम कलर कोडिंग में सब कुछ मिलेगा, ये वाली वायर लेनी है और इनको इन दोनों वायर्स को इस प्रकार से जोड़ देना है। यहां से आपका आधा कनेक्शन हो चुका है ऑलमोस्ट। अब बेस ट्रैवल के सिग्नल आउटपुट को और मेन एम्पलीफायर बोर्ड के सिग्नल इनपुट के वायर्स आपस में जोड़ देते हैं। डायरेक्ट फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए आप इस प्रकार का RCA सॉकेट खरीद सकते हैं, जो कि 70 रुपये का कनेक्टर के साथ में मिल जाएगा। इस RCA सॉकेट को कनेक्टर लगा के बेस ट्रैवल बोर्ड के इनपुट के साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब एक ऑक्स केबल लेंगे और उसे RCA सॉकेट में लगा लेते हैं, उसके बाद फोन कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस बोर्ड की करेंगे टेस्टिंग रिकॉर्ड और कनेक्शन उसी प्रकार से हम कर रहे हैं यहाँ पर जैसा अभी हमने बताए हैं। बेस ट्रैवल बोर्ड को पावर देने के लिए 12012 का ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर अब हम फोन लगा करके इसे चला सकते हैं। 2रा ऑप्शन ये है कि हम इसे ब्लूटूथ से चलाएं। ब्लूटूथ से चलाने के लिए सिंपली ब्लूटूथ के आउटपुट को यहाँ पर बेस ट्रैवल के साथ में कनेक्ट कर देना है। ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे और इसे चला करके देखते हैं। कॉपीराइट की वजह से साउंड टेस्टिंग की वीडियो अलग से अपलोड कर दी गई है, उसे आप देखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।